दीदी आज आप क्या लगाने वाले हैं यहाँ पे? बिगेस्ट कोल्हापुर का साबुदाना वड़ा। तो हमारे यहाँ पे कोल्हापुर का बिगेस्ट साबुदाना वड़ा लगने जा रहे हैं, तो दीदी नाम बता दीजिए अपना। मधुरा संदीप पाटिल। तो आप कब से बना रहे हैं? मैं 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो ये बिगेस्ट साबुदाना वड़ा रहता है यहाँ पे कोल्हापुर का? हाँ हाँ, फेमस है वो। फेमस है यहाँ पे। तो दीदी कहाँ से सीखा आपने ये? ऐसे एक दिन घर पे बनाया था तो अच्छा लगा, तो इसलिए इधर भी निकाला, तो इधर भी बहुत सबको पसंद आ गया, तो ये फेमस हो गए। तो कितना पुराना दुकान है ये? 55 ईयर। ये मेरी सासू माँ है, यही कर रही थी पहले, इन्होंने हमको सिखाया ये नमक। तो मूंगफली का कुट। तो ये सासू माँ की हाथ की रेसिपी है? हाँ, सासू माँ की हाथ की रेसिपी, उन्होंने ही तो सिखाया है। तो ये साबुदाना अच्छा, तो उसको भिगो के रखते हैं आप? हाँ, भिगोना चाहिए एक आधा घंटा। आधा घंटा भिगो। तो मसालों को साबुदाना के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया जा रहा है, तो ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं साबुदाना वड़ा? क्या पता, बड़ा है इसलिए शायद, और स्वाद भी अच्छा होगा इसलिए। प्राइस कितना रहता है इसका? सिर्फ 15 रुपये। 15 रुपये। तो देखो 15 रुपये में बिगेस्ट साबुदाना वड़ा मिलता है यहाँ पे। तो वड़ा के अलावा क्या क्या मिलता है यहाँ पे साबुदाना वड़ा के अलावा? मिर्ची भजी होती है, कांदा भजी होती है, वड़ा पाव होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो घर को भी और बाहर भी, यहाँ पे काम करते हो? सुबह जल्दी उठकर सुबह सबको तैयार करके सबको इधर। तो हमारा यहाँ पे जैसे साबुदाना वड़ा, बिगेस्ट साबुदाना वड़ा लग के रेडी हो चुका है, तो उसको जल्दी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे। और हफ्ते में कितने दिन लगा? ऐसा कुछ नहीं, मूड के अदरवाइज है, कब छुट्टी लेना पड़ेगा तो लेंगे, मन कहेगा तो। ऐसे डेली लगता है? हाँ, डेली लगता है। एड्रेस बता दीजिए किसी को खाने के लिए आना है यहाँ पे। तुलजा भवानी मंडप, भवानी मंडप के सामने तुलजा भवानी सेंटर। नारियल की चटनी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली कोल्हापुर का बिगेस्ट साबुदाना वड़ा यहाँ पे लग चुका है। तो ये है इनकी प्लेट। तो साइज देखो कितना बड़ा है, और सिर्फ 15 रुपये में आपको खाने को मिल जाएगा, साथ में मिलेगी नारियल की चटनी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दीदी ने एकदम गर्मा गर्म यहाँ पे साबुदाना वड़ा लगा दिया है, और इसको नारियल की चटनी में अच्छे डुबो के टेस्ट करेंगे। तो इनका साबुदाना वड़ा बहुत ही क्रिस्पी है, काफी टेस्टी है, साथ के साथ जो इन्होंने नारियल की चटनी बनाई है उसके साथ इसका टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है। तो अगर आप भी कोल्हापुर रहते हो, विजिट करो, बढ़िया से साबुदाना वड़ा खाना चाहते हो, तो यहाँ पे आके इसको ट्राई कर सकते हो। दीदी बहुत ही प्यार से यहाँ पे लगाती है। तो ये लोकेशन आपको मिल जाएगी, कोल्हापुर का महालक्ष्मी टेम्पल है उसके साथ में। तो इस वड़ा को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.